बड़ी खबर आपको बता दें, सैम पित्रोदा के बयान पर अमित शाह ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी अब एक्सपोज हो चुकी है। आपको बता दें, 3 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगातार हमले कर रहे हैं। उसी कड़ी में अमित शाह भी कांग्रेस को घेरते हुए उनके घोषणा पत्र के आधार पर सैम पित्रोदा का जो बयान सामने आया है उसको लेकर अब अमित शाह कह रहे हैं कि वो एक्सपोज हो गई कांग्रेस पार्टी। लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है, इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है।